हाय गाइस, वेलकम टू लेट्स लर्न बायोलॉजी। आई एम सुमन भारती और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर है हमारा सेकंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी की, जो 11th क्लास की एनसीईआरटी की चैप्टर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज ये हमारा क्वेश्चन आंसर का क्लास है। पिछले क्लासेज में मैंने इसके चैप्टर को बहुत अच्छे से और डिटेल से पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा वो वीडियोस नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट को नहीं देखा है, तो प्लीज़ आप लोग जाके चेक कीजिए और आप लोग देखिए, मैंने उसमें बहुत डिटेल से पढ़ाया है। आज मैं उसका क्वेश्चन आंसर करवाने वाली हूँ। तो चलिए आते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दैट मीन्स कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के साथ कैसे चेंजेज आए हैं, उनमें क्या क्या चेंजेज आए हैं, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, आंसर है हमारा, द क्लासिफिकेशन सिस्टम अंडरगोन सेवरल चेंजेज विथ टाइम। द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन वाज मेड बाय एरिस्टोटल। ही क्लासिफाइड प्लांट्स एज हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड सेल। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फेल्ड टू क्लासिफाई ऑल द नोन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम में एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया। उन्होंने ऑर्गेनिज्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज, और एनिमल्स को एक दूसरे ग्रुप में रख दिया। ठीक है, लेकिन इससे ये पता नहीं चल रहे थे कि कौन से रेड ब्लड सेल है, कौन नहीं है, किन में प्रेजेंट है और किन में नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो फेल्ड हो गया, ये एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया लीनियस के द्वारा, जो कि था हमारा 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, देयर फॉर लीनियस गेव 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट कंसिस्ट ऑफ किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। हाउएवर दिस सिस्टम डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। देयरफॉर देयर वर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कुड नॉट बी क्लासिफाइड अंडर द 2 किंगडम। इन्होंने क्या किया कि ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में बांटा, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया। तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही थी कि कौन से यूनिसेलुलर है और कौन से मल्टी सेलुलर। तो और इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये भी पता नहीं चल पा रहा था कि यूकैरियोट्स कौन से हैं और प्रोकैरियोट्स कौन से हैं। तो फिर इनका भी क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या हुआ, फेल्ड हो गया। फाइनली क्लासिफिकेशन सिस्टम आया आर.एच. विटेकर के द्वारा, जिन्होंने 1969 में दिया था, जिसे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है और वो अभी तक माना जा रहा है, एप्लीकेबल है। उन्होंने क्या किया, कैरेक्टर के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को बांटा। तो देखिए, टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स अ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय आर.एच. विटेकर इन 1969 ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एट्सेट्रा। 5 किंगडम्स मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया वर फॉर्म। फाइनली क्या है, आर.एच. विटेकर सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया गया। इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को दिया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम अरिस्टोटल के बाद द्वारा दिया गया, फिर लीनियस के द्वारा दिया गया और फिर फाइनली आर.एच. विटेकर के द्वारा दिया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्लासिफिकेशन सिस्टम में पीरियड ऑफ टाइम के साथ चेंजेस आते गए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, स्टेट 2 इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। चलिए देखते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का क्या यूज है। तो फर्स्ट है हमारा, दे एक्ट एज डिकम्पोजर्स एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। दे हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। मेनी एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम सम स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। मेनी सॉयल बैक्टीरिया हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, अब आर्की बैक्टीरिया का क्या काम है, आर्की बैक्टीरिया का काम है, मिथेन गैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट्स बाय द मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस
बैक्टीरिया के द्वारा मीथेन गैस का प्रोडक्शन किया जाता है, जो कि मिथेनोजेन्स रूमिनेंट्स यानी कि काउ, बफेलो एंड अदर एनिमल्स के स्टमक में पाया जाता है। दूसरा है, मिथेनोजेन्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस एंड सीवेज ट्रीटमेंट। मिथेनोजेन्स बैक्टीरिया जो होता है वो बायोगैस का प्रोडक्शन हो करने में भी मदद करता है, और सीवेज ट्रीटमेंट यानी कि जो गोबर गैस जो होता है, गोबर गैस की को जो उत्पन्न किया जाता है उसमें मिथेनोजेन बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। ठीक है, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सेल वॉल इन डायटम्स। डायटम्स के नेचर, सेल वॉल का नेचर क्या होता है। ठीक है, द सेल वॉल ऑफ डायटम्स आर मेड अप ऑफ सिलिका। सेल वॉल जो है डायटम्स का वो सिलिका का बना होता है। दियर सेल वॉल कंस्ट्रक्शन इज नोन एज फ्रस्टूल। इट कंसिस्ट ऑफ टू थीन ओवरलैपिंग सेल्स दैट फिट इनटू ईच अदर सच एज सोप बॉक्स। इनमें दो सेल्स पाया जाता है जो एक दूसरे के ऊपर फिट होते हैं, जैसे कि एक सोप केस, एक साबुन का जो डब्बा होता है जो ऊपर से ढक्कन होता है वो ऐसे ढका हुआ होता है, उस टाइप का ही कुछ इनका स्ट्रक्चर होता है। व्हेन द डायटम्स डाई, द सिलिका इन दियर सेल वॉल गेट्स डिपॉजिटेड इन दियर फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ डायटोमेसियस अर्थ। जब ये मर जाते हैं डायटम्स, तो इनका जो सेल वॉल होता है वो डिपॉजिट हो जाता है, उनके इन्वायरमेंट में डिपॉजिट हो जाता है, उनमें क्या है वो डेड हो जाने के बाद, और उसे क्या कहते हैं डिपोजिशन को, डायटमीसियस अर्थ। द डायटमीसियस अर्थ इज़ वेरी सॉफ्ट एंड क्वाइट इनर्ट। इट इज़ यूज्ड इन फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, शुगर एंड फॉर अदर इंडस्ट्रियल पर्पस। जो डायटमीसियस अर्थ होता है, दैट मीन्स वहाँ पे जो डिपोजिशन ऑफ सिलिका का जो सेल होता है उसका यूज फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में किया जाता है, शुगर के फिल्ट्रेशन में किया जाता है, और इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है इसलिए इसका कॉमर्शियल यूज किया जाता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड आउट व्हाट डू द टर्म एल्गल ब्लूम एंड रेड टाइड सिग्निफाई। तो एल्गल ब्लूम क्या है, फर्स्ट हम लोग देखते हैं एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी इन वाटर, रिजल्टिंग इन डी कलरेशन ऑफ द वाटर बॉडी। दिस कॉजेज एन इंक्रीज इन द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD, रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ फिशेस एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। एल्गल ब्लूम क्या होता है कि जब किसी भी वाटर बॉडी में एल्गी या ब्लू ग्रीन एल्गी का जो है मात्रा, उनकी क्वांटिटी बढ़ने लगती है, जिसके कारण क्या होता है वाटर का कलर चेंज होने लगता है, वो ग्रीन कलर का होने लगता है। ऐसा आप लोगों ने कॉमन आसपास की जगहों में देखा भी होगा। ये गंदगी के कारण होता है या ज़्यादा फॉस्फेट या नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाने के भी कारण होता है, जिसके कारण जब एल्गल ब्लूम वाटर में होना स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है, एल्गी की मात्रा जब बढ़ने लगती है तो वाटर का जो है ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने लगता है, और उस कारण से क्या होता है ये सनलाइट जो है वो वाटर के अंदर नहीं जा पाता है, तो वाटर में जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स, फिशेस और भी जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो सारे क्या होते हैं, डेड होने लगते हैं, क्योंकि एल्गी जो है वो वाटर की सरफेस को पूरी तरह से ढक देता है, वो जितने भी ऑक्सीजन को है वो खुद ही कंज्यूम कर लेता है, वो वाटर में रहने नहीं देता है, जिसके कारण जितने भी और भी ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रहते हैं वो सर्वाइव करते हैं, वो धीरे धीरे मरने लगते हैं और वो वाटर धीरे धीरे पॉल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, रेड टाइड्स, रेड टाइड्स आर कॉज्ड बाय रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, जिसे क्या कहते हैं, गोनुलेक्स। रेड टाइड जो है वो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स के द्वारा होता है, वो एक स्पीसीज है गोनुलेक्स, गोनुलेक्स के द्वारा ये चीज़ होता है, दैट मल्टीप्लाई रैपिडली। जब गोनुलेक्स मल्टीप्लाई करने लगता है रैपिडली तो वो रेड टाइड्स का निर्माण करता है, क्योंकि वो एक्चुअली में रेड कलर का होता है। ड्यू टू दियर लार्ज नंबर द सी अपीयर्स रेड इन कलर, दे रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ टॉक्सिन्स इन वाटर दैट कैन कॉज डेथ ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ फिशेस। जो गोनुलेक्स होता है वो
अपनी संख्या में जब उसकी वृद्धि होने लगती है तो वो पूरी तरह से वाटर बॉडी में फैल जाता है, जिसके कारण वाटर का कलर जो है वो रेड हो जाता है, और इससे लार्ज अमाउंट के कारण वो टॉक्सिन को रिलीज़ करता है वाटर में। तो इससे क्या नुकसान होता है कि जितने भी ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो वाटर में पाए जाते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म्स, वो धीरे धीरे उनकी संख्या घटने लगती है, वो मरने लगते हैं। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर वायरॉइड्स डिफरेंट फ्रॉम वायरसेस। वायरॉइड्स और वायरसेस में क्या डिफरेंस है। वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड इन 1917 बाय टीओ डिनर एंड दे कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। वायरॉइड्स को 1917 में टीओ डिनर के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, और ये एक डिजीज कॉज करता है जिसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कहते हैं। ठीक है, दे आर स्मॉलर इन साइज देन वायरसेस, दे ऑल्सो लैक द प्रोटीन कोट एंड कंटेन्स फ्री आरएनए ऑफ लो मॉलिकुलर वेट। ये वायरस के कंपेयर में क्या होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, और इनमें लैक ऑफ प्रोटीन कोट होता है, इनमें प्रोटीन का कोट नहीं पाया जाता है, एंड फ्री आरएनए भी नहीं पाया जाता है, और इनका मॉलिकुलर वेट जो होता है वो भी वायरस के कंपेयर में लो होता है। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोगों का यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने आज 5 क्वेश्चन को करवाया है, कल के क्लास में मैं और भी क्वेश्चन को आगे करवाऊंगी। तो अगर ये सेशन अच्छा लगा हो, ये क्लास अच्छे लगते हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मैं इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। आप लोग वहाँ जा कर के हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, वो चैनल लेट्स लर्न बायोलॉजी विद सुमन के नाम से चलता है।